सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ धारा देसी पत्रकार करमू, याणा सयाणा छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक ही बात है, इलेक्शन कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अम्बाड़ा लोकसभा की बात करा भाई, अलग अलग पार्टियां ने अपने प्रत्याशी तैयार रखे हैं। थोड़े दिन पहले हमने भीतर की बात कार्यक्रम में कुमारी शैलजा जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की अम्बाड़ा लोकसभा तक, उनसे हमने भीतर की बात और भीतर की बांप कटवाई थी। तो उस दिन कुमारी शैलजा जी ने कहा थे भाई मैं आई आई हूँ, देखूँगी के तल उतार रहूँगे। तो ये भी तब पूछा एक हफ्ता 10 दिन का वर्कआउट के बाद के देख रहे हैं हमारे 10 कम, दोबारा फिर राम राम कर राम 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 तो बढ़िया करने लग गए, वह मजा आने लग गया राम राम वो तो हम पहले से बचपन से ही करते हैं। अच्छा, तो ये पब्लिक के बीच मजा रहे हो आप, उस दिन कह रहे थे मैं आई हूँ पहुंची हूँ कैंपेन में तो देखेंगे के दिखा के लोगों के भीतर की बात। आपने भी लोगों के भीतर की बात कोशिश करी होगी पूछने की के करे। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से और दोनों तरफ की बात है। एक तो भारतीय जनता पार्टी उनके नुमाइंदे उनसे सबसे नाराज़ हैं लोग, और दूसरा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने लोगों के बीच में हम रहे और काम करवाने की कोशिश की तो लोग उस बात को याद रख रहे हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि कई जगह जब जाते हैं गांव में या शहर में लोग खुद ही अपने जो हमने काम करवाए थे उनको मेरे से ज़्यादा उनको याद है। अच्छा, मतलब आपने कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ आप बताए पाऊँ अपने आप ही बता दो। अच्छा, भी सुनो भाई कुछ थोड़ा बहुत प्रचार रतनलाल कटारिया भी अपने आप करते हैं पढ़ा दो जब जावे है तो फिर लोग नो कहते हैं भले ही भाग्या ये भाग्या से मारन 5 साल कट जा रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे तारे फैला रहे हैं ये नहीं, ये मुझे कई लोगों ने बताया बल्कि एक आदमी जिसने खड़ा होके वहाँ ये बात कही थी कुछ वो पूछना चाहता था तो उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो फिर वो बाद में हमारे साथ आ गया, पहले हमारे साथ नहीं था, मतलब ऐसा कोई पार्टी का वो वर्कर नहीं था कोई, लेकिन बाद में हम नॉर्मल जैसे होते हैं आम नागरिक, लेकिन बाद में उसको इतना बुरा लगा कि उनके साथ जो बर्ताव हुआ फिर वो हमारे पास आ गए, फिर थोड़ा खून बढ़ा होगा। खून तो लोगों को देख के वैसे ही बढ़ जाता नहीं ना, वो कह रहा हर जान कीमती तो हर वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। ये मैं हम सबको कहती हूँ अपने सब वर्करों को और सभी लोगों को, जान पहचान एक वोट, चाहे फोन पे है चाहे जाके बैठ के है। रिश्तेदारी पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी रिश्तेदारी की रिश्तेदारी, ऐड की सपैड सारी इकट्ठी हो रही होंगी, क्यों नहीं, चुनाव है बिल्कुल होना चाहिए, सब होना चाहिए, महापर्व है, महापर्व चुनाव का महापर्व है। खैर ये महापर्व तो हर 5 साल आता है तो हर बार नई बात है, चुनाव महाकुंभ तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के किस्मत दांव पे है, सबकी किस्मत दांव पे, और सिर्फ देखो सिर्फ कैंडिडेट की नहीं होती, जो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और या फिर जो विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो वर्कर हों या पार्टी के साथ एक्टिव लोग हों, लेकिन नॉर्मल लोग भी सड़क पे जो हैं कि जो आम नागरिक है उसको भी कहीं ना कहीं एक विचारधारा ज़्यादा पसंद है दूसरी विचारधारा की। अच्छा एक चीज़ और कहने लग रही, बोला जब मैं मोदी का सहारा लूँ, रतनलाल कटारिया को है, जब मैं मोदी का सहारा लूँ तो या प्रियंका का सहारा ले, प्रियंका गांधी ने बुलाने लग रहे हो नहीं सिर्फ प्रियंका जी के क्या, हमारे तो सभी प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं और भी उसकी क्या गलती, रतनलाल भी मोदी का नाम पर वोट मांग लेगा, आप प्रियंका ने बराबर लग रहे हो, कोई अर्ज नहीं है? लेकिन अपना भी कहो, हम तो अपना भी कहते हैं ना, हम तो दोनों बात कहते हैं, मैं तो अपना भी कहती हूँ, अपना काम अपनी पार्टी का काम जो मैंने करवाए मैं तो वो भी गिनवाती हूँ। राहुल गांधी बुलाया आपने, राहुल गांधी जी सबसे पहले आए। अच्छा, सबसे पहले आए, देखो ये हमारी खुशकिस्मती है। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने जब हरियाणा में इस बार कदम रखा तो मेरे यहाँ जगाधरी से कदम रखा, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं हरियाणा में पहली बार अम्बाला से, मेरे यहाँ से अलग है। जो प्रियंका गांधी है उनकी कैंपेन में आपकी कैंपेन मानता है, कितना प्लस रहोगा, मतलब क्या मान के चल रहे हो? बिल्कुल देखो बड़े नेता होते हैं और प्रियंका गांधी जी का एक अपना व्यक्तित्व है, जग जाहिर राजनीतिक तजुर्बा तो कम है, राजनीतिक तजुर्बा नहीं है प्रियंका गांधी का, तो राजनीतिक तजुर्बा एक तो होता है ना गुट्टी में पी लेते हैं। अच्छा तो गुट्टी तो पी रखी है, ब्लड में है, ब्लड में है? वो अब मैंने हरियाणवी कह दी, आपने अंग्रेजी कह दी,
मतलब उनके ब्लड में है और वंशानुगत आ रही है उनके अंदर, बिल्कुल है। और फिर एक सबसे सबसे बड़ी, चलो पूरी कर लो आप बात पहले, मैंने तो कई बार कह भी दिया, मतलब अगले की सुनता ही नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई कोई ऐसे सब तो बड़ी खूबी के लगे प्रियंका गांधी की, जिस तक आपने काफी सारी उम्मीद हो रही है भाई कुछ बड़ा प्रॉफिट होना। हमारी नेता हैं और उनका एक आकर्षण है लोगों में, और फिर बड़े सहज, बड़े अच्छे ढंग से, बहुत जिस ढंग से वो प्रोवोक नहीं होती, कुछ भी बोल देते हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, और ये एक लीडर की क्वालिटी है। उनको एक बार कई बार हम देखा, जब भी वो जाए हैं, आपके जो वॉलंटियर हुए हैं, जो कार्यकर्ता हुए हैं, एक बात का सब गुफा छोड़ दें, मेरा सच्चाई है, उनका इंदिरा की छवि आएगी, इंदिरा की छवि, इंदिरा आएगी, इंदिरा आएगी, यह चीज़ फैला दो। नहीं, हमारे हमारे कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये आम लोगों को कुछ लगता है। देखो इंदिरा जी की एक पर्सनालिटी थी, जैसे पेड़ देवीलाल नड़ाए रखे हैं, तो हम उसमें इंदिरा की छवि कह दे, उसमें देवीलाल की छवि, दुष्यंत में, दिग्विजय में। सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, लोगों को लगता है, आम लोगों को लगता है कि भाई कुछ, और एक परिवार की झलक भी होती है कुछ। अब मुझे कहेंगे कि आप ये इस ऐसे अपने फादर जैसे लगते हो या कुछ, तो ये तो एक पारिवारिक होता भी है। होता भी है। आज अभी मतलब लगातार आप चल रहे हो, कितने गांव कवर कर लिए? कितने गांव? मैं तो गिनती नहीं। अच्छा, कितने टोटल, कितने जनसभा? मैं गिनती नहीं। अच्छा, इसका मतलब थकावट नहीं चढ़ दी? ना, देखो ये एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बल्कि फिर कैंडिडेट की बात बताऊं, कैंडिडेट को ये लगता है कि कुछ और कर ले, थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, 24 घंटे ही है ना, कर लो जितना कर सको। अच्छा, कई बार इन्होंने हो जाए, सुबेरे उठते शाम सांझ नजीब सो आने भड़क हुआ है, सुबेरे बहन कितने प्रोग्राम करने हैं, उस डाल के कोई नो को नहीं होती भाई, सुबेरे कितने काम कवर करने हैं, आज कितने हम गए, हर कै बजे पेंडा छुटेगा, इस डाल के कुछ कभी ना कभी। ना मैंने कहा ना, कभी मेरे कभी ना, मेरी तो जिंदगी की फिलॉसफी यही है। 24 घंटे होते हैं भाई दिन में, सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अब चाहे 24 घंटे में आप सो लो, चाहे कुछ कर लो या काम कर लो, तो 24 घंटे अच्छे से निकाल लो, बढ़िया काम है। अच्छा, एक मैंने आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरा पटी बात नो कहे, बोले शहर में तो जब कुछ हो, गाँव में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, शहर में क्यों कम पड़ रहे हो आपके कार्यकर्ता? मैं बताती हूँ, क्योंकि शहर में लोग मुखर नहीं होते, अंदर रखते हैं बात। ये तो आपने भीतर की बात, बाप निकालो भीतर की बात नहीं, लेकिन शहर के ये मतलब कैरेक्टर होता है, आज से नहीं, हमेशा से ही होता है कि शहर में लोग उतना बाहर होके नहीं बोलते या उतने एक्टिवली। गांव में तो आपको पता ही है, गांव का अलग कल्चर ही, वो तो अपना जो कहना है सिद्धि कहनी है। और फिर वहाँ पे आइडेंटिफाइड होते हैं लोग, क्योंकि सरपंच के चुनाव हो लिए और वो सब, तो एक एक का ज़्यादा नज़दीक का ताल्लुक होता है। शहर में है, एक तो पार्टीबाजी उस तरह की नहीं होती है, तो शहर का अलग अलग कैरेक्टर। कुमारी सैलजा जी, जो चुप, जो साइलेंट वोट है आपके, वो शहर के चुप रहे हैं, बोल देने बता देने, ये साइलेंट वोट हो किसकी है? किसकी? आप ये मत बोलना, साइलेंट मेजॉरिटी हमेशा साइलेंट होती है। हाँ, जो शोर मचाते हैं ना, तो वो थोड़े कमी है। हाँ। या तो मैं खुद, मेरी ऑब्जर्वेशन है, खुड़का दुड़का के ऊपर तो चलना चाहिए, जो चुपचाप बैठे नहीं उनके भीतर के चल रहे हैं। आप लोग शहर में चुप बैठे हैं, वो चुप वाले किसके हैं? चुप वाले मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से ज्यादा मेल खाती है। अच्छा, उनकी सोच आपने कहने कर गए, तो मुझे तो चाहिए ना तो इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें कौन सी शर्म है? बिल्कुल चाहिए मुझे। अच्छा, मतलब ये मैं शर्म नहीं करती इस बात में। तो आप कॉन्फिडेंटेड हो, आप लोग हम आराम से जीत भी जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने अच्छा, देखो, 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 मेरी ये गलती होगी भाई, मैं अपने शब्द वापस लूं, ये बताओ कि मैं इस तरह की शब्दावली कभी इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, चुनाव चुनाव होता है, कॉन्फिडेंस जनता पे है, मेरे को कॉन्फिडेंस अपने काम पे है, कॉन्फिडेंस अपनी विचारधारा पे है मुझे, और कॉन्फिडेंस अपनी पार्टी और अपनी लीडरशिप पे है, तो उस तरह से कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। लेकिन मैं चुनाव को चुनाव समझती हूँ, और हर चुनाव एक चुनौती हो। पिछले चुनाव 14,000 का मार्जिन था आपका, 14,000, आपकी बार कितना क्या लगा है? ये भी मैंने कभी नहीं सोचा, कभी भी, मतलब लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता चाहेगी इस बार कि फिर से कांग्रेस आए, और मुझे लगता है कि
हमारे में फिर से अपना विश्वास देंगे। अच्छा, ये जो लोकसभा के इलेक्शन है नहीं, इन नापा नूबी मान के चल रहे हैं विधानसभा की राय गलेगी, समझ रहे हो? राय रास्ता विधानसभा का खुलेगा, मूड का पता चलेगा, हरियाणा का जनता का मूड है कि आप लोगों की ठीक ठाक सीट आएगी जय, और विधानसभा में परफॉर्मेंस भी यदि आप लोग लेकर आते हो तो कांग्रेस पार्टी में एक मुद्दा बना है। मुद्दा क्या बना है? मुख्यमंत्री का। ये तो ये बीजेपी वाले तो टायर दिया बिना ना, मैं सुनो ये होगा फिर पता नहीं कहा नहीं करा, बोले माना मूलधन 100 रुपये है, माना कि आपकी ठीक ठाक सीट आएगी और माना कि विधानसभा में भी आगे एक मुद्दा बना है। हाई बार मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी वाले तो राग टोल लिया। सही ठीक बात है, ये मुद्दा बनाते हैं आप नहीं, फिर एक बात आप बनाते हैं मुद्दा, फिर मीडिया में बनता है ये मुद्दा ज्यादा। हमारे को तो सबको पता है अपनी पार्टी में क्या सिस्टम है। हमारी पार्टी में सिस्टम है कि हाई कमांड उस टाइम फैसला कर ले। ये सब तो बढ़िया इलाज है, जड़े भी उड़ जाए हाई कमान है, हाई कमान भी नेशनल पार्टी का हिस्सा है। हम हाई कमान के ऊपर छोड़ दिया, हाई कमान नहीं, हाईकमान का यदि आपकी तरफ इशारा हो गया या फिर हाईकमान का तो इशारा कहीं भी हो सकता है, सिर्फ मेरी तरफ क्या? नहीं, कई बार नहीं आ रहे ना ना, मन को नहीं इतनी सिरदर्दी उठानी, काम का ही। हाई कमांड का इशारा सिर्फ मेरी तरफ क्या, किसी भी तरफ हो सकता है, तो सारे ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। टांग तो नहीं अड़ानी? क्या मतलब? लेग पुलिंग होनी, टांग की चाहिए। लेग पुलिंग तो नहीं, ऐसा नहीं मेरे को लगता है। देखो जब हाई कमांड के ऊपर छोड़ते हैं तो फिर हाई कमांड के, बाकी सोनिया गांधी के करीब भी हो आप? करीबी कौन नहीं है? आप गणा करीबी सब सब करीबी है। देखो वो हमारे नेता है, नेता को सब प्रिय होते हैं। अच्छा सुनो, इलेक्शन की गर्मी है, मौसम की गर्मी है, और दोनों गर्मी मिलकर घनिया गर्मी हो जाए, ये गर्मी को मेंटेन रखने के लिए आपका खाना कैसे शेड्यूल रहा? इसे पे क्लोज करेंगे, खाना का शेड्यूल क्या? खाना खाना, खाना कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज है क्या? इम्पोर्टेंट है, फील्ड में जाओ, एक तो चिड़चिड़ापन हो जाए, मौसम की गर्मी, इलेक्शन की गर्मी। अच्छा, कि मैं ठंडी अच्छा, मैं बता दूं, मैं तो सिंपल खाना होता है, ठीक है। मैं सुबह अपने थोड़ा फ्रूट ले लेती हूँ, दूध का ग्लास ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ और ले लिया, टोस्ट ले लिया, या कभी पोहा ले लिया, या इस तरह की कोई चीज़ ले ली। फिर अपने मैं एक सैंडविच पैक करके ले जाती हूँ। मैं मिर्च नहीं खा सकती ज़्यादा, खाने भी नहीं मिर्च तो मेरे को नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाती। तो अपने और नींबू पानी रखती हूँ, तो नींबू पानी अपने थोड़ा थोड़ा लेती रहती हूँ, या कभी नारियल पानी। नींबू पानी ठीक रहता है, नींबू पानी पीते रहो जरूरत नहीं है। कल का क्या शेड्यूल है? कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं होती, अपने काम पे ध्यान रखो, अपने काम पे ध्यान रखो, उससे बात बन जाए। बनी है आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति की बनी है, हमेशा ही बनी है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति की खूबसूरती है। नहीं नहीं, विरोधाभास है। अच्छा। और राजनीतिक ठीक है कि राजनीतिक दूसरे को हम अपोज कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मैंने मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मतलब खंडन नहीं करते, मंडन करो, मंडन आप कुछ भी बोलो। अच्छा, कल का क्या शेड्यूल है? प्रियंका जी आ रही है, कल प्रियंका जी आ रही हैं, और लोगों में बड़ा उत्साह है। अच्छा। और हम सब इंतजार में तैयारी है लोगों में। मैं तो खैर आज अपना नॉर्मल कैंपेन करके आई हूँ, पर सब तरफ चारों और लोगों का शौक है। इस बार वैसे लोग कह भी रहे थे, राहुल जी का था, फिर राहुल जी पहले आए तो कहते कि राहुल जी तो दोबारा आएंगे नहीं सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो सबका मन था कि प्रियंका जी आए, प्रियंका जी आए। कि मैं कमी छोड़ गए थे राहुल जी, कमी रह गई थी कि मैं कमी नहीं, कमी ये सिर्फ इतनी थी कि उस टाइम इलेक्शन का नहीं था मामला। अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा पहले परिवर्तन यात्रा था, और वो एक कोने में था, अपने जगाधरी यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट में था, तो अब फिर इधर का भी हो, क्योंकि हेडक्वार्टर अपना अम्बाला नाम भी है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हेडक्वार्टर अम्बाला को ही मानते हैं, और अपने हमेशा रैली गांधी मैदान में हुई है। निश्चिंत से हो रहे हो जमा, जो पूरी टीम तैयार है, और जमा निश्चिंत से हो रहे हो, टेंशन सी नहीं दिख रही कुछ, टेंशन आ रहा है इलेक्शन आ गई एक? नहीं, मैंने टेंशन कभी भी नहीं रखी, थोड़ा हाथ पेन लग रहा, थोड़ी पेन लेनी चाहिए। नहीं, पेन तो ठीक है,
नहीं मैंने पहले ही कहा जमा टेंशन पर ही ना हो। नहीं मैं कब मैंने आपको क्या बोला है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ इलेक्शन इलेक्शन होता है, चुनौती होती है, हर इलेक्शन की चुनौती होती है, तो उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए मैं पहले से आखिर तक कि भाई इलेक्शन जीते हुए हो इलेक्शन ये इस चीज़ से नहीं, इलेक्शन इलेक्शन है, लेकिन टेंशन ना खुद लो ना किसी को दो, काम करो, औरों से काम लो और खुद काम करो। चलो जी एक बार फिर राम राम कर दो मेरी तरफ से। राम राम यार राम राम काम आओगी, सही बताऊं मैं या काम आओगी राम राम? मैंने कहा ना हमने तो बचपन से सीखा है बड़ों को राम राम। तो ठीक है क्योंकि कांग्रेस वाले का मुंह तो राम राम कम आवे नहीं, ये बाप की राम राम देख के कहेगा था तो कुछ तो सोचे। जय हिंद भी बोलते हैं और भारत माता की जय, हिंद भी बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय भी है बोल देते हैं, लेकिन जय हिंद हमारे शुरू से बचपन से चला हुआ है। ये तो ना अब इन चीजों को जान के कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, और कोई भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय भी बोलते ही है, फिर कौन सी नई बात है? कई बार लगने लग जाए भारत माता की जय किसी का पंडा है जानो। हाँ ये कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है ना अकबर जैसे, तो वो ठेकेदार है। आप लोग बोलो ना जी भारत माता की जय, थोड़ा सा अजीब सा लगा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप भूल ये मत भूलो भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं थी तब से चल रहा है, तो ये कोई ठेकेदार नहीं है। वंदे मातरम भी ये पैदा भी नहीं हुए थे तब से चल रहा है। प्रियंका को कहा दोगे? ये तो भाई मैं थोड़ा ही किसी को कहलवाऊंगी। नहीं फिर भी मैं किसी को थोड़ा ही कहलवाती हूँ। आप बोलती हो किस बात पे बोल रहे हैं? हम तो पार्लियामेंट में मैं जाती हूँ, पार्लियामेंट में हम शुरू करते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम अशुरू नहीं मतलब बोलते हैं हम वंदे मातरम। चलो चलो वो तो मैंने सुना। चलो जी धन्यवाद, और ये तो भीतर की बांपे पर का प्रोग्राम हो गया है। चलो यह खास बात है, मतलब सवाल तो तीखे कड़वे मीठे खाटे जो भी आए जवाब है इसके दो, ये अच्छी बात लागे मैंने गण करे नेता हूँ कह दो तकलीफ बन जाए पेट में दर्द हो जाए जवाब दें देन। मेरी से ठीक है, से ठीक है। बढ़िया रहे फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट है। चलो जी तो फिजिकली मेंटली दोनों, हाँ दोनों तंदुरुस्त, या तंदुरुस्ती काम आओगे कि नहीं 23 तारीख ने बेरा पटाखा डोल खुलेंगे नहीं? बिल्कुल जी बेरा पटाखा जनता का मत, हाँ जनता का मत सिर माथे। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अंबाड़ा लोकसभा से, उनसे हमने बात करी तड़कती बड़कती झलकती बिरन किसी किसी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू, जय हरियाणा।